जैसा आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीज़ों की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और ऑनलाइन परचेसिंग से रिलेटेड बात करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे पास है क्रोमा का 24 इंच नॉन स्मार्ट, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड LED TV, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा TV है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन TV या कोई भी डिवाइस खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन कैसे ख़रीदारी करें, कैसे आसानी से डिस्काउंट्स ऑफ़र प्राप्त करें और चीज़ें सस्ती मिल जाएं कंपेयर टू जो मार्केट रेट होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही ख़रीदते हैं और आने वाले समय में भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपने रीसेंट ऑर्डर की, जो कि 24 इंच का क्रोमा का LED TV है, जो कि आपको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है इस समय। मुझे ये लगभग 4,500 रुपये से भी कम में पड़ गया दोस्तों, ऑफ़र लगा के। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा रिमोट के साथ बैटरी, और 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिलती है। प्लस इसके साथ आपको वॉल माउंट एक्सेसरीज और TV के स्टैंड भी देखने को मिलते हैं। कंपनी की तरफ से जो रिमोट प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें आपको मेन्यू बटन, इनपुट बटन, इको बटन, सिनेमा व्यूज़, इंफॉर्मेशन बटन, वॉल्यूम बटन्स, स्टैंडर्ड मोड एंड पिक्चर मोड जैसे फीचर्स बटन देखने को मिल जाते हैं। और मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें रिमोट की बैटरी भी कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है, शायद ही कोई और कंपनी प्रोवाइड करवाती हो 24 इंच के LED TV में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी की कस्टमर सपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, कस्टमर सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी कॉल मिलाता हूँ, हर बार कस्टमर एग्जीक्यूटिव कॉल अटेंड करता है और बताता है। लेकिन हाँ, इनकी थोड़ा डिलीवरी में प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक कोई डेट दे रखी है तो उससे नेक्स्ट डेट में आपको ये डिलीवर करते हैं, क्योंकि इनका ट्रांजिट टाइम में थोड़ा समय लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। डिस्प्ले में आपको बेजल देखने को मिलेंगे, जो लगभग 1/2 इंच चौड़े होते हैं, और पीछे आपको मदरबोर्ड और उसमें जितने भी कनेक्शन पोर्ट्स दे रखे हैं वो आप देख सकते हैं। 45 वॉट का TV है, जो 1 स्टार रेटिंग के साथ आता है। उसके बावजूद भी इसका पावर कंसप्शन बहुत अच्छा है। मंथली पावर कंसप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ हमें TV में क्या क्या फंक्शन देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, 2 USB पोर्ट दिए गए हैं और ऑडियो वीडियो जैक यहाँ दिया गया है, और साथ में आप देख सकते हैं VGA का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, 24 इंच के TV में भी आपको मिल रहा है। नीचे आप देख सकते हैं 2 USB पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और उसके बाजू में आपको मिलता है एक LAN कनेक्शन, जिससे आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आपको इधर देख सकते हैं आप सेटअप बॉक्स का कनेक्शन भी मिल जाता है। और यहाँ नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं स्पीकर माउंट किया गए हैं, 2 स्पीकर लगे हैं 16-16 वाट के, जो एक लेफ्ट में और इधर वाला राइट में लगाया गया है, जो कि आई थिंक अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मदरबोर्ड की क्वालिटी और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। लेबल पे आप देख सकते हैं 39 वॉट का यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन ऑन पेपर ये 45 वॉट का TV है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको ऑन कर लेते हैं। लेट्स प्रेस द की, और अभी हमारा TV चालू हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कंपेयर टू स्मार्ट TV। थैंक यू दोस्तों।